तेलंगाना के ज़िले कामारेड्डी के विकास नगर में मुतनाज़ा खवानीन सी डबल ए के ख़िलाफ़ मुसलमानों ने रोज़ा रखकर दुआ की। बाद अज़ां मस्जिद अजीम में मर्द व ख़वातीन की कसीर तादाद की मौजूदगी में मुल्क में अमन व अमान, मुसलमानों की गुरबत व हिफाजत के लिए खसूसी दुआ की गई। इस मौके पर मौलवी शेख नूर इलियास ने ख़िताब करते हुए कहा कि भारत हिंदू मुस्लिम यकजहती की एक जिंदा मिसाल है। दोनों ही कम्युनिटी हमेशा एक दूसरे की खुशी और गम में शरीक रहे हैं और भाईचारगी को कायम रखते हुए आगे बढ़ा है। कामारेड्डी महले विकास नगर में NRC के ख़िलाफ़ और मुल्क की अमन आमान के लिए और मुल्क की शांति के लिए मर्द और ख़वातीन ने आज रोज़ा रखा और बाद असर के ख़त्म कुरान हुई और उसके बाद इफ्तार का इंतज़ाम हुआ और मुल्क की अमन और शांति के लिए दुआ की गई कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क की हर तरह से हिफाजत फरमाए और मुल्क में अमन व अमान को अल्लाह ताला कायम रखे और मुल्क को सलामती के साथ हिंदू मुस्लिम एकजहती के साथ रहने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। इस अमन के लिए यहाँ पर जमा होकर मर्द और ख़वातीन सैकड़ों की तादाद में जमा हुए और उन्होंने यहाँ पे दुआ की, अल्लाह करे कि हमारे मुल्क को खुदा अमन आमान वाला और भाईचारे वाला बना दे। हमारी इस बात पर वाकिफ दावा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।